हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग होने वाला है। देखिए दोस्तों हमारा फोटो कितना ही बवाल का लग रहा है। अगर आप भी कुछ इस टाइप का बवाल का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। ये देखिए दोस्तों हमारा ये बिफोर और आफ्टर का जो लुक है वो कितना ही अच्छा लग रहा है। तो सिंपल सा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें। अगर आप हमारे जैसा फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलो दोस्तों सिंपल सा मैं अपना स्नैपसीट एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ये मैं अपना स्नैपसीट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है दोस्तों। आज मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताऊंगा मेरे दोस्तों। ये हमारा स्नैपसीट वो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा अपना उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे जिस बैकग्राउंड पे हमें इस फोटो को एडजस्ट करना है। दोस्तों ये बैकग्राउंड मैंने बनाकर रख लिया था कुछ। ये देखो दोस्तों हमारा बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का है। इस बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड को मैंने हल्का सा क्रॉप कर लिया है। इतना करने के बाद दोस्तों हम राइट क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा इस ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस फोटो का मैंने PNG कुछ बनाकर रख लिया था। इस PNG ऐप का लिंक मैं आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये हमारा फोटो कुछ इस टाइप से ले लिया है। इस फोटो को हम कुछ इस टाइप से अपने स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। ये मैंने अपने फोटो को इस टाइप से एडजस्ट कर लिया। इतना करने के बाद दोस्तों हमने सिंपल सा राइट क्लिक कर दूंगा और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों हम फिर ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इस PNG को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आप चिंता मत कीजिएगा, मैं सारे PNG के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये देखिए हम इस फोटो को सिर्फ इस PNG के इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे और इसका जो इनवाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सारा पार्ट उड़ा देंगे और इस ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिर्फ फेक स्माइल इस टेस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा राइट क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों हम फिर ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करेंगे और इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा अपना दूसरा PNG को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैं अपने PNG को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने दूसरे PNG को सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए दोस्तों हमारा जो PNG है वो आ चुका है। इसे भी हम कुछ इस टाइप से अच्छे से अपने फोटो पर एडजस्ट कर लेंगे। जिस टाइप से हमें एडजस्ट करना है उस टाइप से इसे अपने फोटो पर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। मैं आपको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ, आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना करने के हम राइट क्लिक कर देंगे, फिर ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने जो बाकी दूसरा PNG उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। मैं PNG को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आप बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो, वरना आप एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे। और आप भी अगर मेरे जैसा बवाल एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो आप बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे। हमने अपने दूसरे PNG को सिलेक्ट कर लिया। इतना करने वाला दोस्तों हम इस ब्लाइंड वाले ऑप्शन को नीचे आपको ये ब्लाइंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ब्लाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम सिंपल से स्क्रीन वाले मल्टीपल वाले ऑप्शन पर क्लिक स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने वाला दोस्तों हम इसे कुछ इस टाइप से अपने फोटो पर एडजस्ट कर लेंगे। इसकी हम दोबारा कॉपी बना लेंगे। ये हम अच्छे से कॉपी जितनी हमें जिस टाइप से कॉपी बनानी है, जितना जगह पर लगाना है उस टाइप से कॉपी बना बनाकर इसे एडजस्ट करते रहेंगे। ये मैं कॉपी बना बनाकर एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमको इस टाइप से एडजस्ट कर लिया है। इतना करने के बाद दोस्तों मैं सिंपल सा इस फोटो को राइट क्लिक करके सेव कर लिया है। इतना करने के बाद दोस्तों मैं अब सिंपल सा इस फोटो को अपना सेव कर लूँगा। ये मैंने फोटो को सेव कर लिया गैलरी में। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद चलते हैं हम अपने फेस ऐप एप्लीकेशन में। ये मैंने फेस ऐप एप्लीकेशन कर लिया है क्योंकि दोस्तों हमें अपने चेहरे पर स्माइल लगाना था। तो दोस्तों ये हमारा फेस ऐप एप्लीकेशन हो गया। ये फेस ऐप एप्लीकेशन होने ओपन होने के बाद दोस्तों हम सिंपल से अपना नेट ओपन कर लेंगे क्योंकि हमें नेट ओपन करके दोस्तों ये हमारा ये एप्लीकेशन वर्क करेगा। इसलिए आपको अपना डाटा ऑन रखना है और डाटा ऑन रखने के बाद दोस्तों हम अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें स्माइल लगाना था। ये मैंने फोटो सिलेक्ट कर लिया है, कुछ लोडिंग हो रहा है। ये देखिए दोस्तों ये लोडिंग हो गया, फोटो आ चुका है। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल से नीचे दिए गए इस स्माइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, स्माइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। स्माइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम इस फर्स्ट क्लासिक वाले स्माइल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। देखिए दोस्तों हमारे चेहरे पर कुछ स्माइल आ गई। इतना करने के बाद दोस्तों हम इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, हमारा फोटो सेव हो चुका है। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल से बैक आएंगे और बैक आने के बाद हम इस फोटो को अपने स्नैपसीट एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे। ये मैंने फोटो को अपने शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो को मैं अपने स्नैपसीट एप्लीकेशन में शेयर कर चुका हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों ये मैंने फोटो अपने स्नैपसीट एप्लीकेशन में शेयर कर लिया और शेयर करने के बाद दोस्तों हम इस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस ऊपर दिए गए सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिस सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मेरा भाई हमें इस वीडियो को इस फोटो पर कुछ इस टाइप से ड्रॉ इस टाइप से दोनों हाथों से स्क्रॉल करके कुछ इस टाइप से ब्लैक ब्लैक पार्ट जिस साइड पर आ रहा है साइड पर हमें इस टाइप से वाइट कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हमारा देखिए बिफोर और आफ्टर का लुक कितना ही अच्छा लग रहा है। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल से इस फोटो को भी अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों मैं इस फोटो को बैक आ जाता हूँ कुछ स्टेप से और इस फोटो को सेव करने के बाद दोस्तों हम फिर चलते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में क्योंकि हमें अपने हेयर को लॉन्ग करना है। ये मैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। ये दोस्तों हमारा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हम अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैं अपने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है उसी वाले जिसे हमें अपने स्माइल लगाई थी इस फोटो पर। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल से इस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इस स्ट्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको दिख रहा है इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इसकी साइज़ को कुछ बढ़ा देंगे और साइज़ को बढ़ाने के बाद दोस्तों मैं कुछ इस टाइप से अपने हेयर पर कुछ इस टाइप से ड्रॉ करूँगा। मैं अपने हेयर को जितना भी लॉन्ग बनाना है हम इस टूल्स से बना सकते हैं। ये आपको जिस टाइप का हेयर रखना हो आप उस टाइप का हेयर रख सकते हैं।
मैं कुछ इस टाइप का एयर रखूँगा दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा एयर कितना ही स्मूथ ही अच्छे से बन रहा है। देखिए दोस्तों हमारा एयर कुछ इस टाइप से बन गया है। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा राइट क्लिक कर देंगे, और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इस रिटच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये मैंने रिटच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। रिटच वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा इस हेयर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस हेयर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमारा कुछ लोडिंग ले रहा है। ये लोडिंग लेने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा इस ब्लू वाले कलर पर क्लिक करके अपने जो हेयर है उन पर कुछ इस टाइप से ब्लू कलर कर देंगे। इसे मैं फुल कर देता हूँ। फुल करने के बाद दोस्तों मैं कुछ इस टाइप से अपने हेयर पर ब्लू कलर कर दूँगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ इस टाइप से अपने हेयर पर ब्लू कलर कर दिया है। आपको जो सा भी कलर अच्छा लगे आपको कर लेना। इतना करने के बाद दोस्तों हम इसे कुछ इस टाइप से हल्का भारी कर सकते हैं, जैसा मैं रखना हुआ मैं कुछ इस टाइप से रखना था तो मैंने इस टाइप से रख लिया है। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल से राइट क्लिक कर देंगे, और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों हम फिर दोबारा रिटच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें अपने लिप्स को रेड करना था। ये रिटच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर चुका है हम दोस्तों। ये रिटच वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं सिंपल सा फिर हेयर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, और हेयर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा इसमें रेड कलर को चूज़ कर लेंगे। मैंने रेड कलर को चूज़ कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। रेड कलर को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम कुछ इस टाइप से इस ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन दोनों को फुल कर देंगे, और फुल करने के बाद दोस्तों हम कुछ इस टाइप से अपने उस पर लिप्स पर कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। ये आप देख रहे हैं, आप भी कुछ अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ये मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ड्रॉ हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लिया है। ये आप जैसे कि देख रहे होंगे ये हमारे लिप्स कुछ इस टाइप से रेड कर लिए हमने। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा राइट क्लिक करते हैं, हमारा फोटो कुछ इस टाइप से एडिट हो गया है। इतना एडिट करने के बाद दोस्तों फोटो हम कुछ इस फोटो को अपने गैलरी में सेव कर लेंगे, और इस फोटो गैलरी में सेव करने के बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में। ये मैंने लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों हम इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने अपना फोटो सिलेक्ट कर लिया है, तो फोटो कुछ लोडिंग ले रहा है 2-3 सेकंड का, और फिर ये लोड हो जाएगा। फोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारा फोटो कुछ लोड हो चुका है इस एप्लीकेशन में। इतना करने के बाद दोस्तों हमारा फोटो आ चुका है। आने के बाद दोस्तों हम इस लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ब्लैक को हल्का सा माइनस में करके व्हाइट को बढ़ा देंगे, और इसके साइड्स को भी हल्का सा बढ़ाकर इसके हाइलाइट्स को भी हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसके इस रेड वाली सेटिंग को कुछ इस टाइप से ही रहने देंगे, और ऑरेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके ह्यू हल्का सा बढ़ा देंगे, और इसके स्ट्रेंथ को हल्का माइनस में करके इसकी ल्यूमिनेंस को हल्का सा बढ़ा देंगे। हल्का सा बढ़ाना दोस्तों ल्यूमिनस को, बिल्कुल भी हमने अपने हिसाब से देख लेना। ये मैंने हल्का सा बढ़ा दिया ल्यूमिनस को। इतना करने के बाद दोस्तों हम इस ग्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे, और इसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देंगे, फुल कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम इस ब्लू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसे भी हम हल्का सा माइनस में करके इसे भी हल्का बढ़ा देंगे, और इसको भी हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा राइट क्लिक कर देंगे डन पे, और इतना करने के बाद दोस्तों इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसके टेक्सचर को हल्का सा बढ़ाकर इसकी क्लैरिटी को भी हल्का सा बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों क्लैरिटी बढ़ाने के बाद देखिए हम इसे विगनेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसे माइनस में कर देंगे कुछ इस टाइप से। माइनस में करने के बाद दोस्तों हम डिटेल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी शार्पिंग को हल्का सा कुछ 2.8 पॉइंट बढ़ा के इसके डिटेल्स को फुल कर देंगे। डिटेल्स को फुल करने के बाद दोस्तों हम इसको मार्क्सिंग को हल्का सा बढ़ा के इसके कलर्स को हल्का सा बढ़ा के इसकी डिटेल्स और स्मूथ करने को भी फुल कर देंगे। कुछ अपने हिसाब से रख लेना दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों ये देखिए हमारा जो ऑफिस वाला ऑप्शन है इसे हम दोनों को इनेबल कर देंगे। इन दोनों को इनेबल करने के बाद दोस्तों हम इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अपने फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे। मेरा फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर हो रहा है दोस्तों। इस फोटो को हम अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा फोटो कुछ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर हो चुका है। इतना करने के बाद दोस्तों हम इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इस एचडीआर वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इस इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इस साइड में दिए इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इससे दोस्तों ये हमारा फिल्टर जो है वो पीछे अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने बैकग्राउंड वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमने बैकग्राउंड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों हमारा फोटो कुछ इस टाइप से कितना ही अमेजिंग लग रहा है, कितना अच्छा एडिट हो के तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।